नमस्कार, मैं नीता दुर्गा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय योग विभाग से आपका पुनः स्वागत करती हूँ। हठप्रदीपिका में वर्णित आसनों के क्रम में आज जो अभ्यास हम करने जा रहे हैं वह अंतिम अभ्यास भद्रासन का अभ्यास है। अभ्यास किस प्रकार करना है एक बार आप विधि देख लेंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर चलाते हुए धीरे से आप अपने बाएं पैर को मोड़कर वांछनी के पास मूल भाग पर इस प्रकार स्थित करेंगे और धीरे से दूसरे पैर को भी मोड़ते हुए आप कोशिश करेंगे या आप धीरे से आगे की ओर बैठ सकते हैं। दोनों पैरों को पकड़ते हुए पैरों में अधिक से अधिक खिंचाव रहेगा। कमर गर्दन सीधी रखते हुए कोशिश यह करनी है कि पैर आपके जमीन से मिले हुए रहे, कमर बिल्कुल सीधी। अंतिम स्थिति में आप आंखें बंद करते हुए कुछ देर के लिए इस स्थिति में रुकेंगे। तीस सेकंड से एक मिनट तक अभ्यास करते हुए धीरे धीरे इसकी समयावधि को बढ़ाया जा सकता है। वापस आने के लिए हाथों को ढीला छोड़े, कमर को ढीला करते पैरों को ढीला करें, पुनः विश्राम की स्थिति में आ जाए। अभ्यास करते हुए आप सावधानी रखेंगे, यदि आपके कमर में निचले हिस्से में अधिक दर्द है, गंभीर समस्या है, तो आप यह अभ्यास विशेष निर्देशन में ही करेंगे। यदि आपके पैरों में लचीलापन कम है, पैर आपके कड़े हैं, तो उस स्थिति में भी आप अभ्यास बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार यह आसन सभी रोगों को, सभी व्याधियों को हरने वाला है। यह अभ्यास पैरों को लचीला बनाता है, साथ ही साथ इसका प्रभाव कमर पर, प्रजनन अंगों पर पड़ता है। यह अभ्यास मानसिक स्थिरता के लिए अच्छा अभ्यास है। तो इस प्रकार हमने कुछ सामान्य लाभ और सामान्य सावधानियों सहित भद्रासन का अभ्यास किया जो हठप्रदीपिका में वर्णित अंतिम अभ्यास है।